तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत तो बहुत विवादों में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, विवाद शून्य हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा, बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। महाराज जी, आपने देखा होगा इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज़्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज़्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। आसाराम बापू आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम देख लीजिए, और पहले अगर जाएं इंदिरा गांधी के ज़माने में तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कितने विवादित रहे।